वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। What's up guys, मेरा नाम रवि शंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो दोस्तों एंड्रॉइड बैकअप सभी लोग यूज करते हैं अपने थिंग्स को, अपने जो भी डेटा है उनको बैकअप करने के लिए, पर दोस्तों अभी तक उतना ज्यादा रिलायबल नहीं हुआ करता था लोगों को। जो बेसिक चीज होते थे जैसे कि SMS और फिर सेटिंग्स, ये सब तो बैकअप हो जाते थे, पर दोस्तों फोटोज, मैसेजेस, ये सब फोटोज, MMS, ये सब एक ही साथ सब जगह में बैकअप नहीं हो पाता था, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। तो दोस्तों गूगल ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया है जिसका नाम ये है दोस्तों बेसिकली कि गूगल का जो एंड्रॉइड बैकअप सिस्टम था उसको वो अपडेट कर बैकअप बाय गूगल वन कर दे रहा है। गूगल वन आप लोग सुने ही होंगे नाम, बेसिकली गूगल का एक सर्विस है जिसमें आप स्टोरेज को खरीद कर सकते हो या फिर मैनेज वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों ये अब एंड्रॉइड में आ गया है और आपके लिए, आपको इसके लिए कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और ये कैसे काम करता है वो सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा कैसे काम करेगा, आप लोगों को मिला है ये फीचर तो कैसे मिलना है वो सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरी एंड तक देखते रहना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ डालना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूं जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। दोस्तों हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब हैं 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसा कि आप लोग स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अभी तक क्या होता था कि अगर आपके पास फोन है एंड्रॉइड का और सेटिंग्स ऐप में आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता था गूगल बैकअप का, तो उसमें दोस्तों अभी तक बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलते थे जैसे कि कॉल हिस्ट्री या फिर SMS वगैरह या फिर जो भी है कैलेंडर इवेंट्स होते हैं, बेसिक चीज़ें, और ये सब सिर्फ बैकअप कर पाते थे आप गूगल से, मतलब ये सब बेसिक चीज़ आप गूगल में बैकअप कर पाते थे, पर ये सफिशिएंट नहीं था लोगों को फोटोज़ और अपना MMS या फिर वीडियो वगैरह को भी बैकअप करना पड़ता था, और उसके लिए अलग से एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ता था, गूगल ड्राइव या फिर दूसरे सर्विसेज होते हैं जैसे कि MI बैकअप या फिर सैमसंग बैकअप, ये सब। पर दोस्तों अब ये चीज़ गूगल के अपने सेटिंग्स ऐप में इंटीग्रेट हो गया है और इसका नाम रख दिया गया है चेंज करके गूगल वन, बैकअप बाय गूगल वन। और इसकी मदद से दोस्तों आपको सेम वही सेटिंग ऑप्शन, मतलब जो पहले जाते थे एंड्रॉयड के सेटिंग्स में उसके बाद बैकअप में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन मिलते थे पहले, पर अब आप लोगों को सभी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप फोटोज़ को बैकअप कर सकते हो, MMS को बैकअप कर सकते हो, वीडियो को बैकअप कर सकते हो, और पुराने जितने भी ऑप्शंस थे कॉल, SMS, ये सब भी बैकअप कर सकते हो, जो कि दोस्तों एक, मतलब सभी चीज़ों को एक ही जगह लाकर रख दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बता दूं ये अनलिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कुछ ही दिन पहले गूगल ने अपना टर्म्स एंड सर्विस को अपडेट किया था और सभी लोगों को फ्री जो अनलिमिटेड स्टोरेज मिल रहा था वो अब सिर्फ 15 GB का मिलता है। हाँ, अगर आप पिक्सल डिवाइसेस यूज़ करते हैं तब शायद आप लोगों को मिल जाए अनलिमिटेड स्टोरेज वगैरह ये सब बैकअप करने के लिए, पर अगर आप एक पिक्सल यूज़र नहीं हो तो आप लोगों को फ्री में 15 GB का डेटा मिलेगा। उससे ज़्यादा चाहिए तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन एंड मतलब मंथली फीस देना पड़ता है या फिर एनुअल फीस देना पड़ता है, तो उसके हिसाब से स्टोरेज वगैरह भी अपग्रेड होता है। फिलहाल के लिए वो अलग बात है दोस्तों, उसके बारे में वीडियो के बारे में नहीं है, बेसिकली बैकअप के बारे में। तो इस तरह से आप दोस्तों बैकअप कर सकते हो, आप लोगों को अब सेपरेट कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बता दूँ अगर आप लोगों को अभी तक ये फीचर नहीं मिला है, मतलब कि आप अपने एंड्रॉइड के सेटिंग्स ऐप में गए चेक किए वहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को बस अपना एक बार सिस्टम अपडेट कर लेना है, एंड्रॉइड का जो सिस्टम है वो अपडेट कर लेना है, और जितने भी एंड्रॉइड गूगल के ऐप्स हैं जैसे कि गूगल और फिर मतलब प्ले स्टोर में जाकर आप एक बार अपना अपडेट कर लेना पूरा ऐप वगैरह, फिर सिस्टम को भी अपडेट चेक फॉर अपडेट्स कर लेना, और वहाँ पर पूरा अपडेटेड होने के बाद ही आप लोगों को ये ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद आप सब एक ही जगह बैकअप कर सकते हो। और एक और चीज, आप लोगों का जो फोन है वो एंड्रॉइड 8.0 से ऊपर रन करना चाहिए, तभी ये आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। और मैं बता दूं दोस्तों अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है, आप अगर एंड्रॉइड 8 से ऊपर हो और अभी तक नहीं मिला है तो डोंट वरी दोस्तों, ये अभी अनाउंस किया है गूगल ने, अभी थोड़ा दिन लगेगा, कुछ वीक्स लगेगा सभी लोगों को रोल आउट करने में, मतलब सभी लोगों के डिवाइसेज में अपडेट आने में। तो मुझे दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना किन लोगों को आया है ये अपडेट, किन लोगों को नहीं आया,
और आया है तो कैसा है वगैरह सब कुछ आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। तो वह दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और कमेंट में बताना अपने ओपिनियन इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन की रिप्लाई जरूर करता हूँ। और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल पर नया हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ डालना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक की अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूँ, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। दोस्तों हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब हैं 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे कि आप लोग स्क्रॉल डाउन करके देख ही सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं ग्रुप में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।